गुड मॉर्निंग सर। So today we'll start the same problem. We discussed the application of Laplace transform and convolution theorem, right? So yes sir, tum log ko hum example dikha rahe hain. All of you see that some problem we'll discuss. Example is that So let us start your problem. Evaluate 0 to infinite exponential of minus t minus exponential of minus 3t divided by t dt, right? अब तुम लोग बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, बोलाओ एनीवन स्टूडेंट.
सकते हो। यार सॉल्यूशन इज वेरी इजी, ठीक है। लेट एफ टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस डी टी, सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू हाउ मच, जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी डी टी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्लियर है। ठीक यस सर। जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री टी डी टी, क्लियर है। यस सर। ओके सो नेक्स्ट स्टेप हाउ मच, जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एस प्लस वन टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस प्लस थ्री टी डी टी, क्लियर है कि नहीं बोलो। यस सर। करो यस सर। इसको ब्रेक करने से तुमको ये मिलेगा ना, बोलो। इसका मतलब इट इज लीनियर प्रॉपर्टी, जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस प्लस वन टी डी टी माइनस जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस प्लस थ्री टी डी टी, क्लियर है। आप देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एस प्लस वन टी डिवाइड बाय क्या बोला, माइनस एस माइनस प्लस प्लस वन वन लिमिट ओवर जीरो टू इनफाइनाइट एज सिमिलर वे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस प्लस एस प्लस थ्री टी डिवाइड बाय माइनस एस प्लस थ्री, ठीक है, अंडर द लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोग इसको हम ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट इसको ब्रेक करने से क्या मिलेगा, हाउ मच बोलो। टी टेंस टू इनफाइनाइट राइट, और टी टेंस टू जीरो राइट, अगर इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पुट किया जाए, इक्वल टू इनफाइनाइट पुट किया जाए तो होल टर्म क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो पुट क्या मिलेगा, जीरो पुट वन 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 मिलेगा, सो वी हैव एस प्लस वन ना, बोलो क्लियर है। एनी वन स्टूडेंट यस।
सो माइनस कहाँ गया? माइनस कहाँ गया? देखो अगर इनफाइनाइट हम पुट करेंगे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट आप पुट करो तो हाँ जीरो हो गया, ठीक है। ये माइनस का बाहर निकाल दो, ये माइनस का बाहर पद निकाल दो, ठीक है। अगर अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो जीरो, उसका माइनस माइनस जीरो पुट कर देंगे तो वन, मतलब वन बाई एस प्लस वन मिलेगा, ठीक है। और माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा ना, तो वन बाई एस प्लस वन माइनस, उसके बाद क्या है? वन बाई क्या बोले? वन बाई एस प्लस वन माइनस, उसके बाद क्या है सेकंड वाले में? सेकंड में वन बाई एस प्लस थ्री, ओ वो वन प्लस थ्री, ओके ठीक है। समझ रहे हो? क्लियर है? बोलो। यस सर, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव, देखो वी नो दैट अगेन लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ टी बाय टी इक्वल टू, है ना, ये तुमको मिलेगा एस टू इनफाइनाइट, एस टू इनफाइनाइट एस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू, इधर है so next step we have clear not x to infinite 1 by u plus 1 minus 1 by u plus 3 du, clear not? Anyone is... yes the f u du, right, f u du here jo tumhara kya diya hua hai, f s ka nikla hua hai, f s ka nikla hua bolo 1 by s plus 1 माइनस वन बाई एस प्लस थ्री, दैट इज एफ एस, ठीक है। तो एफ यू करेंगे तो एस के जगह क्या हो गया, यू हो गया, है ना, कोई चीज यहाँ लिख दिए हैं, बोलो यस सर, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, हाउ मच? लॉग यू प्लस सेवन वन सर,
So we have देखो तो यहाँ क्या मिलेगा कि अगर इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाए हाउ मच लॉग ऑफ यू प्लस वन डिवाइड बाई यू प्लस थ्री इन ब्रैकेट ऑफ एस टू इनफाइनाइट क्लियर नहीं है क्लियर है यस सर ओके सो हम लोग इसको ब्रेक किया जाए लेफ्ट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा बोलो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा तुमको देखो लेफ्ट हैंड से लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट इज जीरो टू इनफिनिट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी है एस टी एफ टी बाय टी डीटी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वी हैव देखो तो क्या होगा हम इन टर्म्स ऑफ एस में चेंज कर दिया जाए तो क्या मिलेगा टेल मी इन फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट पुट करो तो इनफाइनाइट पुट करने से क्या लॉग इनफाइनाइट क्या होता बोलो इनफाइनाइट तो ये तुमको मिलेगा सॉल्व करने से तुमको इसको सॉल्व करने से मिलेगा लॉग ऑफ एस प्लस वन डिवाइड बाई एस प्लस थ्री क्लियर है यस सर हाँ यस सर क्लियर क्लियर नॉट क्लियर नॉट बोलो यस सर क्लियर यस सर सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट putting s equal to 0 that will have left hand side 0 to infinite ft by t dt right dekho yahan par s equal to 0 put kar diye whole term mein theek hai to left hand side mein ye part kya exponential to the power 0 that is 1 only for ft by t we have right so left hand side clear right hand side we have log of 1 by 3, clear? देखो, यहाँ पर s equal to 0 put कर दो, तो मिलेगा ना, minus log 1 by 3, so next step, left hand side, we have, देखो, 0 to infinite, ft, ft will consider exponential of माइनस टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री टी बाई टी डी टी इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ वन बाई थ्री वी हैव लॉग ऑफ थ्री क्लियर बोलो दैट इज योर रिजल्ट दैट इज योर रिजल्ट क्लियर log 1 equal to 0 हाँ log 1 0 minus log 3 और minus बाहर में है तो plus log 3 हो जाएगा ना yes sir clear So next step, next problem देखो, according to by convolution theorem, find Laplace inverse s pi s square plus a square is equal to whole square using so s square plus a square whole term of square convolution theorem इसको हम लोग convolution theorem से सॉल्व करेंगे ठीक है तो देखो
लेट एफ एस इक्वल टू लेट एफ एस इक्वल टू ए बाय ए इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जी एस इज इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जानते हैं, देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, जो लाप्लास इनवर्स हम लोग लिखते हैं ना एस एफ एस इंटू जी एस हाथ में लिखते हैं ना, इसको एफ एस जी एस को हम लोग देखो लाप्लास इनवर्स में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, देर आर टू फंक्शन एफ एस और जी एस, इज नॉट हमको इस पलटा मिलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो यस सर क्लियर। ओके सो देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, एफ एस का मतलब क्या हुआ, एफ एस मतलब क्या है, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी। ठीक है, सो एफ टी विल हैव क्या मिलेगा इसको, बोलो वन बाय ए एटी मिलेगा एंड जी टी विल हैव कॉस ऑफ एटी मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस सर। सो हम लोग किसको भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम में ब्रेक कर देंगे, दैट विल हैव देखो लैप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो so we सो हियर देखो लाप्लास इनवर्स एफ एस जी एस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जीरो टू टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू। सो अब देखो जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है एफ यू क्या होगा बोलो, अरे एफ टी इक्वल टू दिया हुआ तुम्हारा, देखो प्रीवियस पेज में देखो एफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ, वन बाई ए साइन ऑफ ए टी, एफ यू क्या हो जाएगा, एफ यू इज इक्वल टू वन बाई ए साइन ऑफ ए यू हो जाएगा,
देखो वी कैन राइट हियर, देखो वन बाय ए साइन ऑफ ए यू इनटू रिवर्स में देखो जी टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है कॉस ऑफ ए टी, तो जी टी माइनस यू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए टी माइनस यू, वही चीज यहां लिखो देखो कॉस ऑफ ए इंटू टी माइनस यू डी यू, ठीक है। आप देखो यहां पर ही वन बाय टू ए मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट टू ऑफ साइन ऑफ ए यू कॉस ऑफ ए इंटू टी माइनस यू डी यू, ठीक है। ठीक है कि नहीं बोलो, सर हाँ बोलो सर, वहां पे जी ऑफ टी माइनस यू क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ा है तुम लोग ना? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वही लिखे हैं, लैप्लास इनवर्स एफ एस जी एस को लिख सकते हैं जीओ टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ठीक है। लेकिन बोलो टू साइन ए कॉस क्या होता है बोलो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके। देखो यहाँ पर जीरो एक्चुअली देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो क्या दिया हुआ जीरो से टी, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है इनफाइनाइट, सो वी हैव लिमिट इज जीरो टू टी ना, अरे सिमिलर यहाँ पर भी देखो क्या मिलेगा जीरो टी होगा ना, तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे, यस सर जीरो टू टी, सो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट, उसी फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे हम लोग तो मिलेगा तुमको लेफ्ट हैंड साइड वन बाय टू ए ऑलरेडी है, ठीक है, जीरो टू टी ऑलरेडी है, ये तो रहेगा ही तुमको साइन टू कॉस ऑफ देखो ए इंटू टी माइनस यू इंटू साइन ऑफ ए यू डी यू, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख दें टू साइन ए कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस बी लिखो, अदरवाइज टू कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन बाय टू ए अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे जीरो टू टी टू कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सो साइन ए प्लस बी साइन ऑफ क्या होगा ए दैट इज ए टी माइनस ए यू, ठीक है, साइन प्लस प्लस ए यू माइनस साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू माइनस ए यू, ठीक है, इन ब्रैकेट ऑफ डी यू वी हैव। अब देखो यहां पर वन बाय टू ए रहेगा तुम्हारा, है ना, अब तुम्हारा जीरो टू टी साइन ऑफ अदर देखो ए यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो साइन ऑफ ए टी रहेगा माइनस सेकंड टर्म में साइन ऑफ सब बाय टू होगा ना,
बाय टू तो बाहर निकाल दिया, देखो बाहर तो निकाला हुआ है टू ए, बाय टू कैसे होगा तुम बताओ। टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो ना वो फॉर्मूला अलग होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन टू सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी होता है, ठीक है ना। ये टू कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो साइन ऑफ क्या मिलेगा तुम लोग बताओ, ए विल बी कॉमन एटी माइनस टी माइनस टू यू, ठीक है। सब ब्रैकेट ठीक है ना, बोलो सर। माइनस साइन एटी माइनस टू यू होगा ना, तो बीच में ब्रैकेट क्यों दिए, वही तो लिखा है। साइन देखो ए कॉमन कर दिए, ये पार्ट में क्या होगा तुम्हारा, इस पार्ट में देखो ना। ये सही है, सही है सर। हेलो अब हम लोग इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, वन बाय टू ए, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, नहीं वन, नहीं नहीं साइन एटी इंटीग्रेशन ऑफ वन, साइन ऑफ एटी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन सब जीरो टू टी डी यू, ठीक से समझो है ना। इधर कितने बोलो माइनस, यस अब सेकंड पार्ट क्या होगा, जीरो टू टी साइन ऑफ एन टू टी माइनस टू यू डी यू, ठीक है ना, क्लियर है बोलो। यस सर। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या मिलेगा, वन बाय टू इधर बाहर निकलेगा, साइन ऑफ एटी कॉमन है तुम्हारा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यू इन टर्म्स ऑफ लिमिट जीरो टू टी, सो वी हैव टी साइन ऑफ एटी, देखो वही चीज लिखा है, टी साइन ऑफ एटी लिखा है ना, बोलो फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में तुम्हें क्या मिलेगा, देखो चेक इट, इस टर्म में क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेशन करो, माइनस कॉस t minus 2u divided by 2a, क्या इंटीग्रेशन मिलेगा बोलो, cos of a into t minus 2u divided by 2b मिलेगा, minus 2 भी बाहर निकलेगा, a भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, in terms of 0 to t, ठीक है ना, तो वन बाय टू ए टी ऑफ साइन ऑफ ए टी, अब देखो यहाँ पर टी पुट करो, यू का टर्म में टी पुट करो, ठीक है, यू में टी पुट करो तो क्या हुआ बोलो, माइनस तो ये बाहर निकल जाएगा है ना, देखो यहाँ टी पुट करो, यू में टी पुट करो, इन टर्म्स ऑफ यू कर रहे हैं तो टी पुट करने से माइनस कॉस टी मिलेगा ना, कॉस ए टी मिलेगा, माइनस सेकंड टर्म में क्या मिलेगा, तो जीरो पुट करो तो यू में तो कॉस ऑफ ए टी मिलेगा, ठीक है, ये होल टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, सो वी हैव इंटीग्रेशन टी साइन एटी, दैट योर रिजल्ट, ये मिलेगा तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है ना। बोलो यस
नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो, क्या बोलो सर, आगे पेश करिए। हाँ सर, यहाँ पे तो cos ऑफ -18 होगा सर, माइनस टी ना होगा सर, कॉस जब उसमें टी पुट करेंगे तो टी माइनस टू टी, तो माइनस टी हो जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट, एक्चुअली यू का लिमिट टी है ना, यू का लिमिट क्या है, जीरो से टी, ठीक है। तो U में हम लोग T पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, cos तो एट रहेगा, एट बाहर है, तो T माइनस टू टी, दैट इज क्या आएगा, cos माइनस टू टी होगा ना, cos माइनस एटी होगा ना, cos cos माइनस एटी, तो cos यस सर, cos cos माइनस एटी इक्वल टू माइनस cos, cos माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा होता है, सो विल हैव cos प्लस cos थीटा। आप देखो माइनस में सेकंड इंटीग्रेशन प्रोटो जीरो, तो u में 0 पुट कर देंगे cos ऑफ 80 बचेगा ना, यस सर समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, यस सर, पता चलेगा तुमको 0 मिलेगा, ए इंटीग्रेशन मिला, ठीक है ना। आप देखो छोटा सा प्रॉब्लम को दिखाते हैं, देखो x प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखो, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑफ एस प्लस टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस फाइव, ठीक है ना। तो लैपलास इनवर्स इसको सॉल्व कर देना है ना, देख लो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसे सॉल्व कर देना, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। यस सर। टाइम भी से खत्म हो गया तुम लोग को अभी।